आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहले से ही शुभकामनाएं, क्योंकि मैं आज के दिन आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ जो शायद आप सब लोगों को पता भी हो सकती है, नहीं भी पता हो सकती है, लेकिन ये सवाल सबके दिमाग में जरूर आता होगा कि लक्ष्मी जी के साथ दीपावली में गणेश जी की पूजा क्यों होती है। एक छोटी सी पौराणिक कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और शायद यही कारण भी हो सकता है कि लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है। लक्ष्मी जी वैसे तो चंचला होती हैं, सबको पता है, एक जगह स्थिर कभी नहीं रहती, ये बात अनादिकाल से लोगों को पता है। वैसे ही आज के दिन जब दीपावली की पूजा होती है तो उसके पहले बाजारों में लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाएं साथ में बिकती हैं। वैसे तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की पत्नी हैं, लेकिन फिर भी वो गणेश जी के साथ दीपावली में पूजी जाती हैं या लक्ष्मी गणेश के साथ जोड़े में रखी जाती हैं। उसका एक विशेष कारण और महत्व है। एक बार भगवान विष्णु से बातों बातों में माँ लक्ष्मी ने कहा कि बिना मुझे पूजे किसी व्यक्ति का गुजर बसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुझे नहीं पूजेगा तो उसका काम ही नहीं चल सकता। भगवान विष्णु तो सदैव ही सबके अहंकार का दमन करने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमारी चंचला को कहीं ना कहीं अहंकार हो गया है और उस अहंकार का विनाश करना बहुत जरूरी है। और उस अहंकार के नष्ट करने के लिए उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, दुनिया में हर व्यक्ति तभी सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होती है जब उसके पास अपना पुत्र होता है, लेकिन तुम्हारे पास चाहे जितना भी वैभव हो लेकिन तुम उतनी सौभाग्यशाली नहीं, क्योंकि आपके पास पुत्र नहीं है, आप पुत्र विहीन है। तो माँ चंचला को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपनी सखी पार्वती को याद किया, और माँ पार्वती अपनी सखी लक्ष्मी का दुख देख नहीं पाई। जब वो हिमालय पर्वत पर माँ लक्ष्मी से मिली तो उनके मन के भाव अत्यंत दुखी थे। माँ लक्ष्मी ने अपनी पीड़ा माँ पार्वती को बताई कि मेरे पास पुत्र नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से सौभाग्यशाली नहीं हूँ। तो माता पार्वती ये जानती थी कि माँ लक्ष्मी अत्यंत चंचला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गणेश को दत्तक पुत्र के रूप में माँ लक्ष्मी को सौंपा और उन्हें अपना पुत्र देकर विदा किया। फिर माँ लक्ष्मी ने गणेश जी के साथ दीपावली के दिन सबके घर में आकर निवास किया। उसके बाद उन्होंने भगवान गणपति को आशीर्वाद भी दिया कि आज से जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा उसके पहले उसे आपकी आराधना करनी पड़ेगी, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो सकेंगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश को साथ में लाना इसीलिए आवश्यक है, और पहले पूजा श्री गणेश की, क्योंकि गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, लेकिन उसके पहले माँ लक्ष्मी जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वो पहले पूजे जाएंगे, इसलिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा साथ में लाई जाती है। इसके अलावा कई और भी पौराणिक कहानी जो बहुत जगह अपने अपने तरीके से पुराणों में कही और सुनी जाती है, जिनमें से ये कहानी मैंने आपको बताई। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए मेरे वीडियोस को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को हैप्पी दीपावली। एडवांस में मैं चाहती हूँ कि इस दीपावली आप सब ऐसे ही खुश रहें और माँ लक्ष्मी गणेश आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। Thank you so much for watching us.